बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। रायपुर में आयोजित प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं पर भाजपा सरकार झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस के किसी नेता ने कोई भाषण नहीं दिया था। भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि भाजपा की सरकार निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि जो सही में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने दंगा फैलाने की कोशिश की है, घटना के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री साय में नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पेंशन पहाड़ लगे रहना चाहिए। इस सरकार रोहित है, सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, सरकार की जिम्मेदारी आम जनता सुरक्षा देंगे, सरकार की जिम्मेदारी एक बार भी कोई घटना हो लेकिन पहली सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, रोके जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार सबों पैमाने में सबों बिंदुओं में ये असफल हो रहे होकर कहा से सरकार में एक मिनट भी रहे के अधिकार नहीं है। ये मैं जरा भी नहीं दिखता है विष्णु देसाई में। वैसे विष्णु देसाई पर्ची वाला मुख्यमंत्री, राजस्थान में पर्ची वाला, मध्य प्रदेश में पर्ची वाला, तो मैं तो केंद्रीय नेतृत्व से कहना चाहता हूं एक विष्णु देसाई से संलग्न रही है छत्तीसगढ़, ये लगता है काल बर्खास्त किए जाना चाहिए।